इस वीडियो में आपको कुछ बहुत ही बढ़िया बहुत ही इनसेन थ्रिलर फिल्म बताऊंगा देखने को जो आपको पसंद आ सकती है। और मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाई है, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। एंड ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, सब फिल्म के बाद अच्छी है, तो शुरू करते हैं। तो पहली फिल्म है 1997 की फिल्म द गेम, जिसको डायरेक्ट किया था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रिलर डायरेक्टर डेविड फिंचर ने। इस फिल्म की स्टोरी माइकल डगलस के कैरेक्टर के ऊपर है, जो एक बहुत ही रिच बैंकर है, और उसको एक दिन उसका भाई शॉन पेन का कैरेक्टर एक वाउचर देता है, एक पार्टिसिपेशन कार्ड देता है एक गेम का। एंड जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी जो लाइफ है वो डेंजर में आने लगती है, उसके ऊपर कुछ लोग अटैक करने लगते हैं, एंड वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ये सही में कोई गेम है या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उसको मारने की। एंड ये फिल्म सही में बहुत ही ज्यादा इंटेंस फिल्म है, क्रेजी फिल्म है, एंड ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है, एंड आपको फॉर श्योर बहुत मजा आएगा इसको देख के। तुम्हारी अगली फिल्म है 2017 की क्राइम इन्वेस्टिगेशन फिल्म विंड रिवर, जिसको डायरेक्ट किया था टेलर शेरिडन ने। ये फिल्म जेरेमी रेनर के कैरेक्टर के ऊपर है, जो एक वाइल्ड लाइफ ऑफिसर है, जिसके साथ पास्ट में कोई ट्रेजेडी हुई थी उसी की वजह से, एंड प्रेजेंट में वो एक एफबीआई एजेंट जिसको प्ले कर रही है एलिजाबेथ ऑल्सन, उनकी हेल्प कर रहे हैं एक मर्डर को सॉल्व करने के लिए। तुम्हारी अगली फिल्म है एक 2000 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म रिक्वेम फॉर अ ड्रीम, जिसको डायरेक्ट किया था डैरन एरोनॉफ्स्की ने। इस फिल्म की स्टोरी चार इंडिविजुअल लोगों के ऊपर है कि कैसे उनकी लाइफ इंपैक्ट हो रही है, कैसे उनकी मेंटल हेल्थ इमोशनल हेल्थ इंपैक्ट हो रही है ड्रग एडिक्शन की वजह से। एंड ये फिल्म सही में ड्रग एडिक्शन को बहुत ही ज्यादा डार्क वे में रिप्रेजेंट करती है, एंड बीइंग नॉट अ हॉरर फिल्म, इस मूवी का क्लाइमेक्स किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। तुम्हारी अगली फिल्म एक डार्क इंटेंस थ्रिलर फिल्म है 2016 में आई फिल्म नॉक्टर्नल एनिमल्स, जिसको डायरेक्ट किया था टॉम फोर्ड ने। ये फिल्म एक नियो नॉयर स्टाइल फिल्म है, जो बात करती है रिवेंज एंड ट्रॉमा जैसी थीम्स पे, जहाँ इस फिल्म में एमी एडम के कैरेक्टर का एक्स हस्बैंड एक नॉवल लिखता है, जिसका मैन्युस्क्रिप्ट वो उनको भेजता है, एंड जब वो उसको पढ़ना शुरू करती है तो उनको रियलाइज होता है कि उनका जो रिलेशनशिप था वो कितना ज्यादा डार्क था। एंड ये फिल्म सही में बहुत ही बढ़िया फिल्म है, एंड मोर देन दैट इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज्यादा विजुअली स्टनिंग है। तुम्हारी अगली फिल्म एक साइंस फिक्शन फिल्म है 2002 में आई फिल्म माइनॉरिटी रिपोर्ट, जिसको डायरेक्ट किया था स्टीवन स्पेलबर्ग ने, जहाँ ये फिल्म एक डिस्टोपियन फ्यूचर में सेट एंड बात करती है क्राइम जस्टिस एंड फ्री विल जैसी थीम्स पे। इस फिल्म में एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दिखाई है, जो क्राइम कमिट होने से पहले ही पता लगा लेते हैं कि ये बंदा क्राइम कमिट करेगा, एंड देन वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। बट इस फिल्म का इंटरेस्टिंग प्लॉट ही यही है कि इनका खुद का एक एजेंट, जिसको टॉम क्रूज ने प्ले किया है, वो फ्यूचर में क्राइम कमिट करेगा, मर्डर कमिट करेगा, एंड अब वो इस बात को प्रूफ करने निकला है कि वो ऐसा नहीं करेगा। ये फिल्म एक माइंड ब्लोइंग फिल्म है, विजुअली स्टनिंग है, एंड इसके एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही बढ़िया है। तुम्हारी अगली फिल्म है 2014 में आई फिल्म नाइट क्राउलर, जिसको डायरेक्ट किया था डैन गिलरॉय ने, जहाँ ये फिल्म बात करती है एम्बिशन एंड मॉरल एम्बिगुइटी जैसी थीम्स पे। जहाँ इस फिल्म में जेक जिलेहाल का कैरेक्टर लू ब्लूम एक क्राइम जर्नलिस्ट है, जो अपनी फील्ड में बिल्कुल बेस्ट बनना चाहता है, बिल्कुल टॉप लेवल पर जाना चाहता है, एंड उसका यही ऑब्सेशन उसको एक बहुत ही खतरनाक इंसान बना देता है। ये फिल्म एक बेस्ट एग्जांपल है परफेक्शन वर्सेस ऑब्सेशन का। तुम्हारी लास्ट फिल्म है 2015 में आई फिल्म शिकारी, जिसको डायरेक्ट किया था वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर डैनी विल्नोव ने। ये फिल्म एक क्राइम ड्रामा फिल्म है, जो मैक्सिकन ड्रग वॉर के ऊपर है, जहां ये फिल्म बात करती है मोरालिटी एंड गुड एंड इविल जैसी थीम्स पे। इस फिल्म में एमिली ब्लंट के कैरेक्टर को, जो एक एफबीआई एजेंट है, उन्हें एक कवर्ड ऑपरेशन में भेजा जाता है डीए के साथ, ताकि वो एक पावरफुल मैक्सिकन ड्रग कार्टेल को पकड़ सके। एंड ये फिल्म एक बहुत ही परफेक्ट फिल्म है, मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बढ़िया है, मूवी का म्यूजिक स्कोर बहुत ही इंटेंस है, एंड मूवी में एक सीन आता है 11-12 मिनट का, एक बेसिकली कार सीक्वेंस होता है, वहां पे हमें कुछ नॉलेज नहीं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये बंदा कौन है, ये लोग कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। एंड वो उसको इतनी इंटेंस तरीके से दिखाते हैं ना कि अभी कुछ होने वाला है, अभी कुछ होने वाला है, आप लिटरली आंख नहीं हटाओगे अपनी स्क्रीन से, इतना ज्यादा इंटेंस सीन था वो। एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये फिल्म देखने को। सो दैट्स इट गाइस, अगर आपको थ्रिलर फिल्म्स पसंद है तो ये सारी की सारी फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी, ये सारी की सारी फिल्में बहुत ही बढ़िया हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।